से मौका है हैट्रिक। एंड्री ताले शॉट को रोका जाएगा। दिक्की दिक्की गले सफलता चलकर आता हुआ इस वक्त अभी प्रतिस्पर्धा मोड़ा अपने पहले किक में सफलता अपने नाम करी है और ये बताते हुए ये अपने डिफेंडर्स को ये बताती है कि इतिहास को दोहराने की तैयारी की जा चुकी है। अबे भाई, अबे। बहुत ही जोरदार शॉट चलकर आया था नाइजीरिया से जर्सी नंबर 2 एंड्री का, लेकिन उसे रोकने में सफल पाए गए हैं। क्या दूसरे तरफ एक ऐसे रोमित यादव जो पूरे कलकत्ता शहर के प्रिंस कहे जाने वाले महाराज के दस्तानों से रोका जाएगा अमित प्रतिस्पर्धा मोंडा की सूट को। जर्सी नंबर 3 केविंग को बुलाया गया है। निराश नजर आएंगे इस वक्त अपनी इस परफॉर्मेंस से, बिल्कुल इन्होंने पढ़ रखा था लेकिन रफ्तार इतनी किसे रोक नहीं पाए। ऑसम ऑसम के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। ऑसम है और केविन ऑसम है अमित प्रतिस्पर्धा मोंडा की टीम। सेकंड सेमीफाइनल के लिए चोर पर तैयारी के साथ नजर आती हुई प्रमाणिक इंटरप्राइजेस गंगारामपुर वेस्ट बंगाल की टीम रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में मैदान में इंतजार इनकी वो महाचल की ऐलान की। और दूसरा शूट चाहता हुआ बेटी 11 के पद से, दूसरे शूट बिक्की देवकी के पास बहुत बड़ी चिंगारी। विलियमसन शूट के लिए है तैयार। एक चेक करते हुए ये दूसरा सफलता भी अपने नाम किया है बिक्के तिर्की ने। जर्सी नंबर 11 नजर आती हुई राहुल मोक्की। राहुल नाम है इनका, इनका सरनेम भी दुखी है और आपने टीम को किया भी नहीं दुखी है। बाकी पूरी आज इनकी खेमे में चलकर आती हुई है मुकाबला, ये कई कदम आगे निकल चुके हैं आज के इस महामुकाबले में। अभी तक की मैं बात करूं बहुत अच्छी पड़ाव में चलकर आए हैं। राहुल मुखी के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने कई खिताब को अपने नाम किया है, कई ऐसे टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है। एक ऐसे हमारे नेशनल प्लेयर नहीं है, नाम भी मुखी है, नाम काम भी राहुल है। और इस वक्त बीटी 11 के पक्ष से जर्सी नंबर 5 को बुलाया गया है इज़राइल। क्या इसे हैट्रिक लगा पाएंगे बिक्की तिर्की, देखना होगा। बेहद खास ये मुकाबला का ये कड़ी ध्यान बैक टू बैक।
Keep power. ये ब्रजेश भैया की आवाज है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ये बहुत बड़ी गोल थी जिसके वजह से ब्रजेश भैया की आवाज चल कर आई थी। ये हौसले को चटका दिए संस्थापक महोदय की आवाज था, क्योंकि नाम भी शशि है और काम भी अनामिश है और अकेले है तो टाइटल भी एक का है, शशि अनामिश एक का जी का ये शोर और गुल बाकी दर्शक दर्शकों की और ये राजकुमार है, ये बताते हैं अपनी आइडेंटिटी को, ये छुपाना नहीं जानते, पहचान को बताना जानते हैं। एडमिन तिर्की का ये बहादुर शूट को रोका गया और दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम को मैं बुलाना चाहूंगा अंश क्लब का की एक अनुशासित टीम और उनकी टीम मैनेजर उतने अनुशासित सचिन कुजूर को। आज सचिन कुजूर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अब कांके ये बताती है कितनी अनुशासित इनका टीम है और के टीम मैनेजर बताते हैं वो कितने जिम्मेदार और मेहरबान है। और एक मजेदार शूट यहां पर सबसे पहले लगा है गोल जो इनवैलिड होगा, अमान्य होगा और शर्मसार करने वाली ये अवार्ड होगा। ऐलान जंग के नाम किसके होगा इसके इंतजार होगा। चर्ची नंबर 11 खादिर क्या करेंगे कतलाज में होगा। दूसरी छोर पर बात करूं विक्की तिर्की फैंटास्टिक गोल कम्स फ्रॉम कादिर ने किया है कटलर रोकने और फुफाना का बैट शुरू। ये स्टाइलिश है, हैंडसम हैंड स्टाइलिश है और क्यूट भी नजर आते हैं। ऑसम वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी रैंक का कैप्चर इन आवर हाल साउथ हॉल यूनाइटेड आपका अभिनंदन वेलकम एंड अभिनंदन करती है। इंद्रजीत राव का ये सूट चल कर आया है, ये गजब के मुकाबले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। दर्शक तो सुबह से ही समझ नहीं पाए थे लेकिन ड्राइवेकर में भी समझना मुश्किल पाया है। लास्ट के अगर चार्ल्स दिल धक धक करने वाली चार विपक्ष के बीच चार्ल्स नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था और फाइनल में ये बहुत कड़ी टक्कर का ऐलान किया है इन्होंने। जैसे नंबर 10 काउंट ऑफ द ग्राउंड हो जाने वाली है शॉट ये सरदार है ये बताते हैं लक्ष्मण सरदार बहादुर सूट लाया था पावर है के पास जितने हैंडसम नजर आए हैं उतने हैंडसम काम इन्होंने किया है। डीजी 11 के नाम क्या है ये जंग ऐलान अपने नाम क्या है प्रकाश पढ़ाई और
ये ऐलान की घोषणा कर गई है बीटी 11 की टीम, बाकी सभी दर्शक बाहर चले गए और वॉलंटियर्स हमारे मंच के सामने रहे। आप दर्शक, आप जिस जगह पे हैं आप उसी जगह पे आराम फरमाएंगे।